मैंने सोच लिया है, मैं दोबारा उस घर वापस नहीं जाऊंगी। अपनी जिंदगी को तमाशा मत बनो। शाबाश, तैयार हो जाओ, हम तुम्हें खुद छोड़कर आएंगे। तुम क्या इसी तरह से अपनी सारी जायदाद उस माँ बेटी के पास छोड़ाओगी? जी नहीं, मैं अपना हक तो वापस लेके ही रहूंगी। अब यूं बैठे बैठे तो तुम्हें तुम्हारा हक मिलने से रहा नहीं। लोग तो लाखों की जायदाद के पीछे सालों जूतियां चटखाते रहते, यहां तो करोड़ों का मामला है। तो आप लोग मेरी मदद क्यों नहीं करते? आप लोग जाएं ना बाबा के पास और उनसे कहें कि मेरे हिस्से की जायदाद मेरे नाम पे कर दें। सिर्फ हमारे जाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी हमारे साथ जाना पड़ेगा। मेरी बहुत इंसल्ट हुई है वहां पे, अब मैं दोबारा वहां मर के भी नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है तो करें, वरना मैं खुद ही लॉयर अरेंज कर लेती हूँ। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं। तुम किस सोच में पड़ गए हो? तेरे दिमाग में एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? हम ज़ूबी को उसकी जायदाद जरूर दिलवाएंगे और उस शाहजेब को खुला का नोटिस भी भिजवाएंगे। इसमें हमारा क्या फायदा है? मेरी जान, हमारा फायदा ही फायदा है। जरा सोचो, ज़ूबी को उसकी करोड़ों की जायदाद मिल जाएगी और हम उसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रख लेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो फिर क्या ख्याल है, आज चलें तौसीफ भाई के पास? मेरे ख्याल में हमें आज ही तौसीफ भाई के पास जाना चाहिए। नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप नाश्ता कीजिए। बेटा, तुमने सोफिया के बारे में क्या सोचा है? मेरा फैसला आज भी वही है जो पहले था। वैसे भी पूरा महीना हो गया सो कॉल्ड इस शादी को। मैं अब इससे ज़्यादा इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि उसके पेरेंट्स से जाकर बात करें, वरना फिर मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? बेटा, इस जो निकाह का बंधन होता है ना, ये दुनिया का बेहद मजबूत, पाक और खूबसूरत बंधन होता है। ये बंधन बनते ही अल्लाह ताला दोनों के दिलों में खुद ब खुद मोहब्बत डाल देता है। तुम्हें मेरी बात एक दिन जरूर समझ में आएगी, ये मेरा यकीन है। लगता है मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। ज़ोहेब, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तौसीफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने इलाज के लिए यूके जा रहे हैं, उनको वापस आ लेने दो, फिर हम सब मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। ठीक है, उनके आने का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे। आप लोग क्या लेंगे, चाय कॉफी? तौसीफ भाई, दरअसल हम ज़ूबी के सिलसिले में बात करने आए आज। ठीक तो है ना? दरअसल तौसीफ भाई, बात यह है कि ज़ूबी शाहज़ेब को छोड़ के हमारे पास आ गई है। ओह, ये तो होना ही था। दरअसल वो आपके पास आना चाह रही थी, मगर मेरे घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद। तौसीफ भाई, आप इतने संदिल कैसे हो सकते हैं? आपकी औलाद है वो, और औलाद पे एक बाप घर के दरवाजे कैसे बंद कर सकता है? औलाद भले संदिल हो है, और वालदेन संदिल ना हो, वो औलाद है तो उसके दिल में जो आए वो करते फिरे, और वालदेन इसलिए बर्दाश्त करें कि वो सिर्फ उनके वालदेन।
लेकिन तौसीफ भाई वो अपने किए पे शर्मिंदा है। शायद इसीलिए फिर उसने आप दोनों को याद भेजा। वो खुद भी तो माफी मांगने आ सकती थी। वो आई थी आपके पास माफी मांगने तौसीफ भाई, लेकिन आपने और फरखंदा ने उसे काफी बातें सुनाई थी। ये जूबी ने कहा आपसे? जी जी, ये मुझे जूबी ने ही कहा है। वो अकेली नहीं आई थी, उस आवारा लड़के के साथ आई थी माफी मांगने। कैसे माफ कर दूं? जिस शख्स की वजह से मेरी इज्जत पामाल हुई हो, मैं उसे कैसे माफ कर दूं और क्यों माफ करूं? खैर, आप लोग अपने आने की वजह बताइए प्लीज। तौसीफ भाई, आप उसे माफ करें या ना करें, हम आप पर दबाव डालने वाले कौन होते, लेकिन आप उसे उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। कौन सा हक? तौसीफ भाई, कहने का मकसद ये है, अगर उस बेचारी लड़की को उसके हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जाए तो कितने मुसीबतों से वो बेचारी अब। ओह, आई सी। नाउ आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग इस मकसद से। सुनो, मैं अभी जिंदा बैठा हूं, प्रॉपर्टी मेरी है, इसलिए मैं फैसला करूंगा कि कब और किसे देनी है, समझे? बाकी हाँ, जूबी आप लोगों के घर रुकी हुई है तो मैं उसका खर्चा उठाने के लिए आपको एक चेक जरूर दे देता हूं, उसे दे दीजिएगा, लेकिन आइंदा प्रॉपर्टी की बात करने यहां मत। इसकी कोई जरूरत नहीं है तुमसे भाई, आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं ले ही लेती हूँ। यू मे लीव नाउ। थैंक यू तौसीफ भाई, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी, मैं तो बस चले। वेरी गुड, भीग दे रहे हैं मुझे अब, वो नहीं चाहिए मुझे भी। आप रख लें इसको, क्या एक काम क्यों नहीं करते, जाके उनको वापस करते, उनका सामना करके उनसे इनकार करना, अब मुझ में यह हौसला नहीं रहा। तुम्हारी इन सारी हिमाकतों का जिम्मेदार भी वो मुझे ही ठहराते हैं। ऐसा क्या कर दिया था मैंने? गलती होती है, गलती हर इंसान से होती है, मुझसे भी होगी। अब इसमें ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अगर तुम मेरी बातों पर अमल करके जोहेब से शादी कर लेती ना, तो आज नौबत यहां तक ना आती। बार बार एक बात दोहराने का क्या फायदा है खाला? ना तो आप पास्ट को वापस लेके आ सकती हैं, ना हम उस पास्ट को बदल सकते हैं। मजबूर थी, हो गई गलती मुझसे। एक जुनून सा सवार था मेरे सर पे, जिसका नाम शाहजेब था। प्यार था मुझे उससे, और उसी बेवकूफी में जाने मैंने क्या क्या कर दिया। मुझे लगता था जैसे अगर वो मुझे नहीं मिलेगा ना, तो मैं मर जाऊंगी। आई नो इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब अगर ये मुझसे हो गया तो आप मुझे बार बार सुना के इस पर टॉर्चर मत करें। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जो चीज तुम्हारी दस्तरस से निकल जाती है ना, तुम हाथ धो के पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती हो। शादी ब्याह ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। खाला, मुझे नसीहतें करना बंद करें और मुझे ये बताएं कि मैं इन सब मसाइलों से कैसे निकलूं। सबसे पहले तो हमें उस शाहजेब को खुलाकर नोटिस भेजना है। प्लीज, एक घंटे में क्या, एक मिनट के अंदर ये काम करते हैं। मैं उस जाहिल आदमी से तो सबसे पहले जान छुड़ाना चाहती हूँ। नफरत करती हूँ उससे।
मैं जानती हूँ। अब तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसे रखो, रो मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। क्या कह रही थी रोशना? बता रही थी कि ज़ूबी उसके पास रुकी हुई है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उससे मिलने जाती। कोई जरूरत नहीं उससे मिलने की, मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। बस कर दें तौसीफ, कितनी सजा देंगे उस बेचारे को। अरे बहुत जरूरी है, वरना वो जिंदगी भर सुधरेगी नहीं। मेरे प्यार मोहब्बत को इसी तरह वो नाजायज फायदा उठाती रहेगी। ने तो इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। सख्ती सही नहीं है औलाद के साथ, और भी वो हमारी बेटी है। तो बेटी होने का ये मकसद तो नहीं है ना कि जो उसके जी में आए वो करती फिरे। मेरे लाड प्यार को उसने बिल्कुल इतना ज्यादती कर रही है मेरे साथ, वो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। समझ सकती हूँ उसने गलती की है, लेकिन आप भी जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। अच्छा बस तुम गर्म कपड़े भी रख लेना, वहां बहुत ठंड है जाम जा रहे। हाँ मैंने सूटकेस पैक कर लिया, गर्म कपड़ों का फिक्र ना करें। हाँ थैंक यू। एक बहुत ही सरप्राइज खबर है तुम्हारे लिए, तुम सुनोगी तो हैरत होगी तुम्हें। कैसी खबर? तुम्हारे बहुत ही लविंग और केयरिंग बाबा तुम्हारी सौतेली माँ को लंदन लेकर चले गए हैं, और वो भी एक माँ के लिए। What? खाला ऐसा नहीं हो सकता, मैं बाबा को अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो उस औरत को एक मिनट के लिए अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तब से यही देख रही हूँ, वो उनसे बात तक नहीं करते। लंदन ले जाना तो दूर की बात है, बता रही हूँ आपको, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं है मुझे, ये 100% करेक्ट न्यूज है। तौसीफ भाई ने खुद वासिफ को बताया था, वो आज सुबह ही लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। क्यों गए हैं? घूमने फिरने, हनीमून का शौक चढ़ गया होगा शायद। तौबा, कोई हाल नहीं तुम्हारे बाप का, बेटी यहां पर आए घर में धक्के खाती फिर रही है और उन्हें फिक्र ही नहीं, यूरोप चले गए घूमने। से ये हाल होता है बिन मां की बच्चियों का। मैं अब उस घर वापस नहीं जाऊंगी, मुझे मुझे नफरत है उस चलाक औरत से, बुरी लगती है मुझे वो, कुछ भी कर लेती, कुछ भी ले लेती। मेरा बाप तो ना मुझसे छीनती। नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है।
रात के 10 बज रहे हैं, इस लड़की का कहीं पता नहीं, तो फोन करके पूछती क्यों नहीं हो आखिर है कहां? किया था, कह रही थी मैं रस्ते में हूं। इस लड़की को इस घर में रख के हमने बहुत बड़ी गलती की। तुम सुबह होते ही इसको रवाना करो इसके घर। क्या हो गया आपको? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कमाल करती हो तुम, जवान जहान लड़की है, कुछ अगर ऊंच नीच हो गई तो इसके बाप को क्या जवाब देते फिरेंगे हम? अभी वो उससे नाराज है, कुछ दिनों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उसे माफ कर देंगे, लेकिन मैं इस लड़की को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी इतनी खुदसर और बदतमीज लड़की जो किसी की बात नहीं सुनती। लो आ गई महारानी, तुम अपने अल्फाजों में समझा दो वरना मैं इनको समझाऊंगा अपने अल्फाजों में। तुम चुप करो, मैं इसे समझा दूंगी। क्या हुआ खाला, आप मुझे बार बार फोन क्यों कर रही थी? कहाँ गई थी तुम? बताया तो था आपको, अपने दोस्त के घर गई थी डे स्पेंड करने। आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? ये शरीफों का महल्ला है, तुम इस तरह आधी आधी रात को घर वापस लौटोगी तो महल्ले वाले 100 तरह के सवाल करेंगे, क्या जवाब देते फिरेंगे हम? कल से तुम्हारा बाहर निकलना बंद, यहां रहना है तो तरीके से रहना होगा, वरना तो तुम जा सकती हो। इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाने चाहती हूं। देखो जुबी, तुम अगर अपने बाप के घर होती ना तो ये सब मसाइल ना झेलने पड़ते। खुदा ना खास्ता कोई उल्टी सीधी बात होगी ना तो तुम्हारे बाबा तो आकर हमसे ही सवाल करेंगे ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा मोहतात होकर यहाँ पे रहना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खाला मैं इतने अरसे बाद घर से बाहर निकली थी, मैं थरस गई थी दोस्तों से मिलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, हर वक्त घर में बैठ कर मैं बोर हो जाती हूँ, और अब क्या आप लोग मुझे शाहजेब की तरह घर में बंद रखेंगे? देखो सुबी, जब तक तुम्हारे बाबा वापस नहीं आ जाते ना, तब तक तो तुम्हें बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ खाला, और सारा सारा दिन मैं घर पे बैठ के क्या करूँ? घर के काम करो, उनमें मेरा हाथ बटाओ, दिलचस्पी लो उन कामों में। घर के काम? हाँ देखो, काम करने वाली जो है ना वो एक हफ्ते की छुट्टी पे चली गई है, तो कल से तुम ऐसा करना कि मेरी मदद करना कामों में, काम बहुत होगा। अच्छा रात बहुत होती है, ऐसा करो तुम अभी सो जाओ, कल बात करते हैं। बेटा 11 बज गए, जोहेब अभी तक नहीं आया। वो तो अक्सर लेट ही आते हैं ना अम्मी। बेटा मगर इतना लेट तो कभी नहीं हुआ। आपने फोन किया? हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ, फोन ऑफ मिल रहा है उसका। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं करती। ये किसका फोन है? हेलो जी, बोल रही हूँ, आप कौन? क्या, कौन से हॉस्पिटल में? थैंक यू, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ, किसका फोन था? अम्मी वो जोहेब हॉस्पिटल में। क्या हुआ है उसे? जोहेब, जोहेब के बाजू पे गोली लगी है। अम्मी अम्मी प्लीज संभालें अपने आप को, कुछ नहीं होगा। जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा। चले मम्मी प्लीज अपने आप को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कैसे हो गया? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने क्यों उसे गोली मार दी? मम्मी डॉक्टर बता रहे थे कि हादसे पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने FIR करवाई है, सब पता चल जाएगा। आप प्लीज अपने आप को संभालें। बच्चे को बचा ले। डॉक्टर सुहेब कैसा है? He is out of danger. गोली चूंकि बाजू पे लगी थी, गोली को हम निकाल चुके हैं, लिहाजा खतरे वाली कोई बात नहीं है। हम मिल सकते हैं उसे? थोड़ी देर में पेशेंट को होश आ जाएगा तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मम्मी प्लीज अपने आप को संभालें, अब वो बेहतर है, ठीक है वो। अल्लाह तेरा शुक्र।
तूने मेरे बच्चे की जान बचा ली। कुछ नहीं हुआ है, तू ठीक है, बैठे आप बैठे। प्लीज अम्मी अब रोना बंद करें, आपकी तबीयत खराब हो जाए। हम उसे कितनी देर में मिलेंगे? अभी थोड़ी देर में। हेलो मामा, मामा ज़ोहेब को गोली लग गई है। आप प्लीज परेशान मत हो, अब वो ठीक है, होश में है और पहले से बहुत बेहतर है। मामा आप प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, सारी सिचुएशन में आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। ओके मामा, खुदा हाफिज़। दायरों में चलते रहे, रास्ते बदलते रहे, रह गए थकन के कुछ निशान। प्यार की कहानी चली, धूप की हथेली जली, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान, लफ्ज हो गए हैं। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। यार तुम कल क्यों नहीं आई? कितना टाइम हो गया तुम्हारे साथ कोई पार्टी अटेंड किए। मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ तुम्हारे बिना। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन पता नहीं खाला ने मना कर दिया मुझे। खाला ने मना कर दिया? लेकिन क्यों यार, वो लोग होते कौन है तुम पर इस तरह पाबंदियां लगाने वाले? I don't understand उन्होंने ऐसा क्यों किया है। And honestly speaking, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लोग वही खाला खालू हैं जो कभी मेरे पे जान छिड़कते थे। वो लोग बहुत बदल चुके हैं। आई थिंक किसी ने सच ही कहा है, लोगों का तब पता चलता है जब इंसान का बुरा वक्त आता है। यहाँ आके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। आई विश मैं बाबा के पास ही चली जाती। यार यार मैंने तो तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम फौरन अपने बाबा के घर चली जाओ। इसीलिए तो नहीं सुनी मैंने तुम्हारी। मैं कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? वो नफरत करते हैं मुझसे, अब वो प्यार नहीं रहा उनके दिल में। अच्छा यार तू तो नहीं, अब अल्लाह सब बेहतर करेगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। रात तुम्हारा सदका दे के आई हूँ यतीम खाने में, और देगों का ऑर्डर भी दे दिया है, कुरान खानी भी करवा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है बाल बाल बचे हो तुम। अब आइंदा सोच समझ के बाहर निकलना, आजकल तो दिन दहाड़े चोर उचक्के घूमते फिर रहे। मैं तो खुद हैरान हूँ, इतना अचानक हो गया सब कुछ। बेटा बहुत बुरा वक्त चल रहा है आजकल, पैसे की हवस ने
लोगों से सोचने समझने की सलाहियत ही छीन ली। खैर बहरहाल अब तुम भूल जाओ इस वाक्य को, ज्यादा टेंशन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं एक ही पोजीशन में लेटा नहीं रह सकता, प्लीज आप मेरे लिए किसी अटेंडेंट का बंदोबस्त करें, मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। बेटा अटेंडेंट की क्या जरूरत है, तुम्हारी बीवी है ना, वो ख्याल रखेगी तुम्हारा और 24 घंटे तुम्हारे पास रहेगी। अब वो, मैंने उससे कह दिया है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते वो ऑफिस नहीं जाएगी। माँ आप ज्यादती करिए हम दोनों के साथ, ना ही मैं उसे अपनी बीवी मांगता हूँ और ना ही वो मुझे अपना शौहर। अच्छा बेवकूफी की बातें मत करो, आप प्लीज मेरे लिए अटेंडेंट का बंदोबस्त करें। देखो तुम्हारी बीवी के होते हुए मैं किसी और को तुम्हारा ख्याल रखने नहीं दूंगी। मॉम प्लीज आप, बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, तुम्हारी बीवी जिस तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी ना कोई और नहीं रख सकता। मैंने कल कहा भी था कि आज काम वाली नहीं आई घर पे। तो मैं क्या करूं इसमें? तुम क्या करो? तुम हेल्प करोगी मेरी सफाई में, क्योंकि ये तुम्हारे बाप का घर तो है नहीं जहां दर्जनों नौकर तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहेंगे। आप मुझसे इस अंदाज में क्यों बात कर रही हैं? पहले तो आपने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की, तो अब एकदम से आपको मैं बुरी क्यों लगने लगी? आज बात कर रही। खैर अपनी बातें छोड़ो और ये फोन छोड़ो, मेरे साथ किचन में चलो। वैसे भी जब से आई हो किचन का काम दुगना हो गया है मेरे लिए। उठो उठो मेरे साथ चलो। ये जो ज़ुहैब साहब को खिला देना, शाम के लिए मैं खिचड़ी बना दूँ। और ये भी ले जाओ फ्रूट्स। कहाँ ले जा रही हो ये? जी ये छोटे साहब का परहेजी खाना है। क्या हुआ अम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? कोई गलती होगी मुझसे? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम अपने शौहर का ख्याल नहीं रखती हो, अपने शौहर के दिल में जगह बनाने की कोशिश नहीं कर रही हो। जैसी समझदार लड़की से ये तवक्को नहीं थी मुझे। कोशिश वहां की जाती है जहां कोई उम्मीद नजर आए, यहां तो मुझे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। जब वो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते तो उम्मीद मैं कैसे? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें हर हाल में उसका ख्याल रखना है और उसका दिल भी जीतना है। इसे तुम मेरा हुक्म समझो या एक माँ की इत्तेजा। मेरा बेटा बहुत बुरी तरह टूट चुका है, तुम्हें हर हाल में उसे समेटना होगा, हर हाल में। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम ही वो लड़की हो जो उसे मायूसी के अंधेरों से रोशनी में ला सकती है। पता नहीं क्यों खुद से ज्यादा तुम पर यकीन है, बहुत उम्मीदें हैं मुझे तुमसे। जानी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं बेटा, कोशिश नहीं, तुम्हें हर हाल में ज़ुहैब का दिल जीतना है। अब ये खाना उठाओ और ले जाओ तुम। लेकिन अम्मी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। उठाओ ये खाना और लेकर जाओ ऊपर। जी।
या अल्लाह, मेरे बेटे के पत्थर दिल को पिघला दे और उसके दिल में सोफिया के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। मॉम, मॉम, ये सब कुछ तुम क्यों लेकर आ रही हो? घर के मुलाजिम मर गए हैं क्या? आपकी मॉम ने कहा है जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आपका परहेजी खाना मैं खुद बनाऊंगी। प्लीज सिद छोड़ दें, इस वक्त आपका सेहत याब होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गिले शिकवे बाद की बात है, मामा बाबा आएंगे तो मैं खुद उनसे बात करूंगी। हमसे छोड़ें और प्लीज थोड़ा सा पी लें। पिछले एक महीने से मैं तुम्हारी फजूल बातें सुन रहा हूं, अब मैं इस रिश्ते को कायम नहीं रख सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं आपसे कुछ मांग भी नहीं रही, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, ये वादा है मेरा आपसे। अब खाना खा लें प्लीज, खाने से कैसी नाराजगी, प्लीज थोड़ा सा। मैं तुम्हारे हाथ से नहीं पी सकता। तो फिर किसके हाथ से पिएंगे? इसीलिए मैंने मॉम से कहा था कि इसी अटेंड। प्लीज, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपने पिछले कई घंटों से कुछ नहीं खाया, गुस्सा खत्म करें और ये थोड़ा सा सूप पी लें प्लीज थोड़ा सा। मैंने कहा सूप रखो और यहाँ से जाओ, खुद पी लूंगा मैं। जाओ। जैसे आपकी मर्जी। बस रहने दे, इतनी जिद क्यों करते हैं? चल मुंह खोले, चले मुंह खोले। बहुत ढीठ हो तुम। वो तो आप भी हैं। देखे सपने इन आंखों ने समझ ना आए मुझको संदिल, तू बता मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगा।